हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं होंडा SP 125 BS6 मॉडल का डिस्क ब्रेक में फ्रेंड्स ब्लैक कलर वेरिएंट। आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था इस बाइक के डिस्क वेरिएंट को लेकर, तो फाइनली आज आपके लिए मैं इस वीडियो में इस बाइक को लेकर आ गया हूं। तो फ्रेंड्स, आज बात करना चाहेंगे इस बाइक के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। अगर आपको इसका डिटेल्स वीडियो देखना है फ्रेंड्स, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करना चाहेंगे कि BS6 मॉडल में अब ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं। अगर अभी आप देखते हैं फ्रेंड्स मार्केट में, तो ये 125cc में आपको वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक्स में से एक देखने को मिल जाती है। तो क्या ये बाइक अब डिस्क वेरिएंट में हमें लेनी चाहिए या नहीं, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करना चाहेंगे बाइक की ऑन रोड प्राइसिंग का। ये बाइक का फ्रेंड्स जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको 92,000 to 93,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स कुछ इसके प्रोस की, जो कि आपको इस बाइक में अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि अभी आपको 125cc सेगमेंट में अभी किसी भी और बाइक्स में देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहला जो इस बाइक का मुझे प्रोस लगता है फ्रेंड्स, वो है इसका लाइट्स। इस बाइक में जो आपको लाइट्स है वो आपको फुल्ली LED लाइट्स देखने को मिल जाती है कंपनी के तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छा आपको विजिबिलिटी देता है नाइट में। और बात करना चाहेंगे इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो इसमें जो मीटर कंसोल कंपनी आपको ऑफर करती है वो भी काफ़ी अच्छा आपको इसमें मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको सारे मॉडर्न फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर वगैरह, और इसमें आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। अगर अभी आप देखते हैं 150cc सेगमेंट की दूसरी बाइक्स में भी फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं, तो उसमें भी आपको गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर्स वगैरह भी आपको मिसिंग देखने को मिलेगा, बट इसमें कंपनी ने काफ़ी फीचर्स ऐड किए हैं जो कि काफ़ी अच्छा इस बाइक को बना देती है। बात करना चाहेंगे फ्रेंड, तो इसमें आपको होंडा का ACG मोटर देखने को मिल जाता है, जो कि साइलेंट स्टार्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है, और काफ़ी मतलब आपको इसका जो स्टार्ट है वो काफ़ी नॉइजलेस स्टार्ट देखने को मिल जाएगा। और इसमें फ्रेंड्स कंपनी आपको HET भी ऑफर करती है, होंडा इको टेक्नोलॉजी, तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इससे फ्रेंड्स जो इंजन का जो फ्रिक्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है, और काफ़ी अच्छा आपको ये बाइक माइलेज ऑफर करती है। बात करना चाहेंगे इसके माइलेज के बारे में, तो इसमें फ्रेंड्स आपको 60 to 70 के बीच में माइलेज देखने को मिल जाएगा, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा माइलेज हो जाता है फ्रेंड्स 125cc सेगमेंट के हिसाब से। अगर आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको ये माइलेज भी ऑफर कर देगी। अब बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स कुछ कॉन्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं बाइक में कुछ ना कुछ कॉन्स होती है, वैसे ही फ्रेंड्स इस बाइक में भी कुछ ना कुछ कॉन्स है। वो हो सकता है आपके लिए मैटर ना करे, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इस बाइक में फ्रेंड्स जो आपको टायर्स है वो काफ़ी पतले आपको देखने को मिल जाते हैं, 80x100 का आपको इसमें टायर देखने को मिलता है फ्रंट में भी और रेयर में भी। तो फ्रेंड्स कंपनी को इसमें कम से कम रेयर में थोड़े मोटे टायर्स ऑफर करने चाहिए थे, 90x100 का कम से कम कंपनी को टायर देना चाहिए था, बट कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करने के लिए और माइलेज को इंप्रूव करने के लिए थोड़ा सा इसमें आपको पतले टायर्स दे दिए हैं। और बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स इसके मीटर कंसोल में, तो आपको RPM मीटर एक मिसिंग देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं RPM मीटर के बारे में, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर फ्रेंड्स आप पहले से बाइक राइड करना जानते हैं तो आपको RPM मीटर से उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी एक आप मिसिंग फीचर बोल सकते हैं इस बाइक में। बाकी ओवरऑल अगर आप देखते हैं इस बाइक का जो पैकेज आपको कंपनी ऑफर कर रही है, अगर प्राइसिंग को अगर आप देखते हैं, तो थोड़ा सा इस बाइक का जो प्राइसिंग है वो आपको हायर साइड पर देखने को मिलेगा, बट जो फीचर्स कंपनी इसमें है आपको ऑफर कर रही है वो काफ़ी अच्छा आपको इसमें फीचर्स ऑफर कर रही है 125cc सेगमेंट के हिसाब से। और फ्रेंड्स बात करना चाहेंगे इसके डिस्क वेरिएंट के बारे में, तो आप इसके डिस्क वेरिएंट के लिए जा सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है, और इसमें जो ब्रेकिंग है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स इस बाइक के बारे में फुल डिटेल्स। अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो देखना है, डिटेल्ड वॉकग्राउंड वगैरह अगर देखना है और राइड रिव्यू देखना है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि कोई भी ऐसी बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए, और चैनल को शेयर भी करें जहाँ पर आपको अच्छा लगता है, फेसबुक व्हाट्सएप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।